रुड़की में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब यात्रियों से भरी बस 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस में तकरीबन 50 यात्री सवार थे। बस के पलटते ही सवारियों में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल सवारियों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। कुछ देर बाद ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद की। फिलहाल घायलों को रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। लगभग 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लाइव उत्तराखंड के लिए रुड़की से संदीप चौधरी की रिपोर्ट। अच्छा, इसमें कितने लोग सवार थे? लगभग 45-50। अच्छा, 45 लोग सवार थे। इसमें किसी लोग चोट आई किसी को? लगभग 5-7 चोट आई। अस्पताल कर दिया गया? जिसका ठीक ठाक चोट है, और वैसे तो सब कुछ। अच्छा, किसी के लिए ये बस नंबर UK 17 PA 0271 बस नंबर ये है, और ये बस हरिद्वार से रुड़की की तरफ आ रही है। इसमें तकरीबन 40-45 लोग सवार थे, और एक बाइक सवार की गलत तरीके से गाड़ी चलाने के उसमें ये हादसा हुआ है, उसे बचाने के चक्कर में। और इस बस में तकरीबन 5-6 लोग घायल हैं, और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है, और बस को बाहर निकाला जा रहा है। अभी क्रेन को बुलवाया गया है, थोड़ी देर में ही रेस्क्यू जारी है अभी, और जो भी होगा देखा जाएगा। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।